रेडियो खांचे 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं कुमारी कंचन बर्नवाल, रांची विमेंस कॉलेज TRL डिपार्टमेंट से। आज मैं सेमेस्टर 4 के SEC 2 के पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें झारखंडी कानून है। झारखंडी कानून में पेशा कानून के मूल प्रावधान के बारे में बता रही है। पेशा कानून के मूल प्रावधान, पेशा कानून 1996 की धारा 4 में मूल प्रावधान किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित विशिष्टियों में से किसी के विपरीत या असंगत हो, किसी भी परिस्थिति में किसी के विपरीत या असंगत हो। ये पॉइंट वाइज हैं। पहला, परंपरा कानून, सामाजिक, धार्मिक, रीति रिवाज एवं सामुदायिक संपदाओं की सुरक्षा। पहला पॉइंट, परंपरा कानून सामाजिक, धार्मिक, रीति रिवाज एवं सामुदायिक संपदाओं की सुरक्षा। राज्य विधानमंडल पंचायतों के लिए जो भी कानून बनाएगा वह स्थानीय परंपरागत कानून सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज एवं सामुदायिक संपदाओं का परंपरागत तरीके से प्रबंधन व्यवस्था के अनुरूप होगा। दूसरा पॉइंट, गांव का गठन। गांव मौलिक रूप से आवास या आवासों के समूह अथवा टोला या टोलों के समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें समुदाय रहता हो जो अपने मामलों को परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार संचालित करता हो। तीसरा, ग्राम सभा का गठन। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में मौजूद होगा। चौथा पॉइंट, पारंपरिक विधि व्यवस्था की सुरक्षा एवं संरक्षण। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की रूढ़ी एवं परंपरा तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं और विवादों को निपटाने की पारंपरिक विधि व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित करने में सक्षम हो। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की रूढ़ी मतलब पौराणिक परंपरा या अपनी उनकी संस्कृति के आधार पर ही उनके विवादों को सुलझाने की व्यवस्था हो। पांचवा पॉइंट, योजनाओं का अनुमोदन। प्रत्येक ग्राम सभा गांव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करेगी जिनका पंचायत के द्वारा कार्यान्वयन किया जाना है। इसके साथ साथ गांव में गरीबी उन्मूलन या अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभुकों की पहचान एवं चयन के लिए उत्तरदायी होगा। उपयोगिता, छठा, उपयोगिता प्रमाण पत्र। प्रत्येक ग्राम पंचायत गांव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जितनी भी योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र है जो ग्राम सभा से प्राप्त करना होगा। सातवां पॉइंट, सीटों का आरक्षण। प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में
सीट का आरक्षण होगा उस पंचायत में उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना है, परंतु आदिवासियों के लिए आरक्षण कुल सीटों का आधा से कम नहीं होगा। इसके साथ साथ अध्यक्ष का सभी स्तरों पर आदिवासियों के लिए आरक्षित होगा। 8वां पॉइंट, प्रतिनिधित्व के अभाव में मनोनय। राज्य सरकार ऐसे आदिवासी समूहों के व्यक्तियों का मनोनय करेगी जिनका पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो, परंतु ऐसा मनोनय उस पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्यों के 10वें भाग से अधिक नहीं होगा। 9वां पॉइंट, जमीन अधिग्रहण एवं पुनर्वास पूर्व परामर्श। आदिवासी इलाकों में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण करने से पहले या ऐसी योजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श लिया जाएगा। आदिवासी इलाकों में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण कोई करना चाहता है तो उससे पहले वहाँ की ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श लेना पड़ेगा। आदिवासी इलाकों में योजनाओं के वास्तविक निर्माण और क्रियान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर किया जाएगा। 10वां पॉइंट, जल प्रबंधन। आदिवासी इलाकों में छोटे जल स्रोतों के योजना निर्माण एवं प्रबंधन की जानकारी पंचायत को दी जाएगी। 11वां पॉइंट, खनन पट्टा का सिफारिश। 11वां पॉइंट में भी 2 पॉइंट हैं। 11 का, आदिवासी इलाकों में छोटे खनिजों के दोहन के लिए अनुमति तथा खनन पट्टा प्रदान करने से पहले ग्राम सभाओं या पंचायतों का सिफारिश अनिवार्य होगा। ख, आदिवासी इलाकों में छोटे खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन पर रियायत देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत का पूर्व सिफारिश अनिवार्य होगा। 12वां पॉइंट, पंचायत एवं ग्राम सभा की विशेष शक्तियां, ये मूल प्रावधान में 12वां पॉइंट है। पंचायत एवं ग्राम सभा की विशेष शक्तियां, इनके पास कुछ विशेष शक्तियां विशेष परिस्थिति में होगी। इस पॉइंट में भी बहुत सारे पॉइंट हैं। 12 का, ग्राम सभा के पास मादक पदार्थ की बिक्री एवं उपभोग को रोकने या नियंत्रित करने या पाबंदी लगाने की शक्ति होगी। ग्राम सभा के पास नशीले पदार्थ की बिक्री एवं उपयोग को रोकने के लिए या नियंत्रित या पाबंदी लगाने के लिए ग्राम सभा के पास अपनी शक्ति होगी। ख, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होगा। ग, ग्राम सभा के पास आदिवासी इलाकों में जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाने और किसी आदिवासी समुदाय के सदस्य का गैर कानूनी तरीके से किया गया भूमि हस्तांतरण का वापसी के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति होगी। घ, ग्राम सभा के पास गांव के बाजार का प्रबंध करने की शक्ति होगी, चाहे बाजार किसी के नाम से भी जाना जाता हो। अंगा, ग्राम सभा आदिवासियों को साहूकारों सेठ साहूकारों द्वारा पैसे उधार देने के मामलों पर भी नियंत्रण करेगा। ग्राम सभा सामाजिक क्षेत्रों के संस्थानों एवं कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करेगा। ग्राम सभा सामाजिक क्षेत्रों के संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं को सभी को नियंत्रित करेगा। ग्राम सभा छ, ग्राम सभा स्थानीय योजनाओं एवं
संसाधनों पर नियंत्रण करेगा, जिसमें आदिवासी उप योजना ट्राइबल सब प्लान भी इसमें शामिल है। राज्य द्वारा निर्मित कानून जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करते हैं जो उन्हें स्वायत्त शासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की पंचायतों या ग्राम सभाओं की शक्ति और अधिकारों को अपने हाथ में न ले लें। आदिवासी इलाकों में राज्य विधानमंडल को चाहिए कि जिला स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था की रूपरेखा के निर्माण में संविधान की 6वीं अनुसूची के नमूना का अनुसरण करें। आदिवासी इलाकों में राज्य विधानमंडल को चाहिए कि जिला स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था तैयार किया जाए और संविधान के 6वीं अनुसूची के अनुसार उसका अनुसरण किया जाए।